तो गाइस आज हम देखने वाले हैं फ्रैंकलिन की कहानी, कैसे उसने अपने जिंदगी के 99 ईयर काटे, कौन कौन थे उसके दुश्मन और कौन कौन थे उसके दोस्त, उसके जिंदगी के उतार चढ़ाव और उसकी पूरी जर्नी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे वाह, मैं तो घर पे पहुंच गया, अब जल्दी से जाता हूँ फ्रैंकलिन भैया और चॉप के पास। आज उनको बताऊंगा मैंने स्कूल में क्या क्या किया, वो एकदम से खुश हो जाएंगे। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं आ गया। अबे शिनशान, ये ट्रॉफी कहाँ से आई भाई? अरे आई नहीं है, मैंने जीती है। क्यों बात कर रहे हो? अरे हाँ चॉप, आज मेरे स्कूल में रेसिंग का कॉम्पिटिशन था। क्या बात कर रहा है, तू रेसिंग में जीत गया? क्यों, आपको भरोसा नहीं हो रहा है क्या? नहीं बस ऐसे ही पूछा, क्योंकि तेरे को सुबह जॉगिंग के लिए बोलता हूँ तो तेरे को बड़ा जोर पड़ता है और अब तू रेसिंग में जीत गया। अरे मैं अपना टैलेंट एकदम सही जगह पे यूज करता हूँ। बिल्कुल मेरी तरह। चॉप तू तो रहने दे, तू हगने के सिवा किसी चीज में ट्रॉफी नहीं ला सकता। अरे वो तो आपको लगता है ना? लगता नहीं है, फैक्ट है। आप इतना बोल रहे हो, आपने कभी कोई ट्रॉफी जीती है क्या? मैं जब शिनशान जितना छोटा था ना, तो मैंने भी एक मस्त ट्रॉफी जीती थी। चलो फेंको मत। अरे फेंक नहीं रहा, सच बोल रहा हूँ, और उस ट्रॉफी के पीछे बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था। अरे क्या बात कर रहे हो, जरा हमें भी तो बताओ। शिनशान वो बहुत लंबी स्टोरी है। मैं नहीं मानता। अरे मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा आइडिया शिनशान? क्यों ना हम टोनी भैया के पास जाए, उनके पास तो टाइम मशीन है ना, तो हमें सब कुछ सच सच पता चल जाएगा। ऐसी बात है तो चलो फिर, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी ना डरता हूँ। ऐसी बात है तो चलो फिर। ठीक है आ जाओ मेरे पीछे पीछे। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं। तो गाइस जल्दी जल्दी जाता है गाड़ी की तरफ। अबे आओगे भी? अरे मैं अपनी ट्रॉफी साथ में लेके ही आ रहा हूँ, अवेंजर को भी बताऊंगा। हाँ शिनशान। तो अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। वैसे फ्रैंकलिन भैया पहले से ही चोर हो के अभी अभी बने हो? शिनशान मैं बचपन से चोर नहीं हूँ, हर इंसान की कुछ मजबूरियाँ होती है। पर उसको एक टाइम बाद छोड़ भी देना चाहिए, आपने तो उसको आदत बना लिया। आदत बनाया नहीं है मैंने, वो बन गई अपने आप। अरे फ्रैंकलिन भैया बाद में काले पड़े हो के पहले से ही डंबर के टुकड़े हो। और शिनशान इसमें पूछना क्या, मुझे तो लगता है पहले से ही है और आगे जाके और काले हो जाएंगे। तुम दोनों ना अपने बकवास बंद करो, अरे हम तो पहुँचने वाले है। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं, फटाफट से गाड़ी को यहाँ लगाता हूँ और जाता हूँ सीधा अंदर। अरे रुको रुको, हम लोग भी आ रहे हैं। और रुको हमारे लिए। अरे टोनी भैया कैसे हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ। अरे मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। शिनशान ये ट्रॉफी कहाँ से ली? अरे ये तो मैंने जीती है। और वाह शिनशान क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ ये मैंने अपने स्कूल में जीती थी। हल्क खुश हुआ। अरे शुक्रिया शुक्रिया हल्क। अरे हम सब यहाँ पर ये करने थोड़ी ना आए थे। तुम्हारा मतलब क्या चॉप? अरे हम लोग फ्रैंकलिन भैया का फ्यूचर देखने आए थे। अच्छा ऐसी बात है क्या? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया बोल रहे कि उन्होंने भी एक ट्रॉफी जीती थी, हमको ये पता करना है कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ। अरे मैंने बोला ना मैं सच बोल रहा हूँ, थोड़ा भी भरोसा नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल भी नहीं है। वाह भाई अच्छी बात है, फिर देख लो मेरा पास। अच्छा ऐसी बात है क्या, रुको अभी पता करके देता हूँ। अरे हाँ जल्दी से मशीन को स्टार्ट कर दो ना। अभी जाके करता हूँ शिनशान, ये कर दी मैंने मशीन स्टार्ट। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम फ्रैंकलिन भैया की स्टोरी देखने वाले हैं। हाँ हाँ, ये उस समय की बात है जब फ्रैंकलिन छोटा बच्चा हुआ करता था और उसके स्कूल में एक रेस कॉम्पिटिशन रखा गया था। अरे वाह क्या बात है, आज तो मैं ही जीतूंगा सारी रेस। अच्छा तो मैं होने ही नहीं दूंगा। लिए तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। वो तब तो देख लेंगे। फ्रैंकलिन तुम इसको छोड़ो और यहाँ पर आ जाओ। अच्छा ठीक है अभी आता हूँ। चलो बच्चों शुरू हो जाओ। लेमर हारना मत, हम दोनों किसी से नहीं हार सकते। मैक्स और एली तो पीछे ही गिर गए। भाग फ्रैंकलिन भाग, तुम्हें जीतना ही होगा। बस थोड़ा सा ही बाकी और ये मैं जीत गया। अरे ये क्या हो गया मेरे टॉर, ये चीटिंग है, मैं गिर के चल गया। तुम अपने आप गिरे हो, तुम्हें किसने नहीं गिराया? झूठ मत बोलो, तुम लोगों ने चीटिंग की है। अरे ये तो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा। अरे छोड़ना लेमर, अपने को क्या करने का है, अपन तो जीत गए ना। हाँ ये बात तो है। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम जानते नहीं हो मेरे पापा कौन है। अब तू रेस में हार गया तो उसमें मैं क्या करूँ, ये ट्रॉफी तो मैं लेके ही जाऊंगा। अब तो अपने बाप को बुलाया, अपनी माँ को। फ्रैंकलिन छोड़ना, क्यों इसको मुंह लगा रहा है, हम चलते अपनी ट्रॉफी लेने। हाँ लेमर आ जा मेरे पीछे पीछे जल्दी से। बस अभी आया। फ्रैंकलिन उस समय बाकी बच्चों से काफी तेज था, इसलिए वो आराम से ये ट्रॉफी जीत गया। और लेमर भी फ्रैंकलिन के लिए काफी खुश था, और लियो को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। वो अंदर ही अंदर जलते जा रहा था, जितना खुश होना होले फ्रैंकलिन के बच्चे, टेले को तो मैं टोलूंगा नहीं। लेमर जल्दी से मेरे पीछे आ जा, घर पे जाके आंटी को ये ट्रॉफी बताऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। अरे हाँ फ्रैंकलिन, और वैसे भी हम लोग काफी लेट हो चुके हैं। हाँ ये बात तो है। अरे ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे क्या हो गया, ये लोग अपनी साइकिल के पास क्या कर रहे हैं? अरे ये तो लियो है, वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर उसके पीछे कौन खड़ा है? अरे ये तो इसके पापा है। फ्रैंकलिन संभल के, ये बहुत बड़े डॉन है, जो भी होगा देखा जाएगा, जल्दी से चल। पापा यही वो है जितने चीटिंग करके मेरी ट्रॉफी ले ली। मैंने कोई चीटिंग नहीं की। पापा ये झूठ बोल रहा है, झूठ लगता है तो इन चपटे फूट लो। क्यों बच्चों तुम लोगों ने भी देखा था? हाँ अंकल, हम लोगों ने अपनी आँख से देखा, फ्रैंकलिन ने लियो को गिराया था। अब बोलो कौन झूठ बोल रहा है? अरे ये सब लोग ही झूठ बोल रहे हैं अंकल, मैंने किसी को भी नहीं गिराया। हाँ अंकल, फ्रैंकलिन ने किसी को भी नहीं गिराया, उसने ये ट्रॉफी खुद के लिए जीती है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। पापा कुछ कर लो ना, मुझे तो बहुत लोना आला है। ये ट्रॉफी अगर तूने
ने जीती है तो तुझे मिलकर रहेगी। ऐसे कैसे मिल जाएगी, ये मैंने जीती है, ये मेरी है। हाँ, आप ऐसे कैसे हमारी ट्रॉफी ले सकते हो? मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं डॉन हूँ। ये तो गलत बात है। जाओ और इस बच्चे से ये ट्रॉफी ले आओ, अगर ना माने तो इसकी धुलाई कर देना। ये क्या कह रहे हो आप? पापा जल्दी करो ना, जल्दी से जाओ। मैं भी देखता हूँ आप लोग ये ट्रॉफी कैसे लेते हो। वो तो बस देखते ही जाओ। ये ले, ये ले, ये ले, छोटे सांप की ट्रॉफी लेता है, ये ले, ये खा। अरे फ्रैंकलिन, ये तो बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अभी भी बकवास कर रहा है, ये ले। ये तो बहुत जोर जोर से मार रहे हैं। चलो अगर ट्रॉफी ले लिए तो आ जाओ मेरे पीछे पीछे, हमारे जाने का समय हो चुका है। अरे पापा टेंट यू, ये ट्रॉफी मेरी थी, अब जल्दी से घर पे चलते हैं। हाँ आ जाओ बेटा। लियो के पिताजी एक बहुत बड़े डॉन थे और वो अपने बच्चे को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो ट्रॉफी फ्रैंकलिन से छीन के उसको दे दी। बहुत उल्लट आना है फ्रैंकलिन का बच्चा, अब इसको पता चलेगा। ये क्या हो गया लेमार्टू, ठीक तो है ना? अरे मेरी हालत तो एकदम पतली हो गई है। तू टेंशन मत ले, हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। पहले तू यहाँ से उठ जा। अरे बस वही कोशिश कर रहा हूँ, पर इन्होंने इतनी लाते मारी, मेरा पेट दुखने आ गया। इनको तो हम छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने बहुत ही गलत किया। किसी बच्चे को कोई ऐसे पीटता है क्या? हमें बदला लेना पड़ेगा। मैं एक जन को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है, हम उसकी मदद लेंगे। और ये लियो के पिताजी को तो सबक सिखा के रहूंगा। अच्छा ठीक है, चलो मैं लेके चलता हूँ। आ जाओ मेरे पीछे पीछे, वैसे तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम मेरे पीछे खड़े हो जाना। अच्छा ठीक है। वैसे वो है कौन? अरे वो मेरे अंकल के दोस्त है। पर वो हमारी मदद करेंगे कैसे? अरे उनकी बहुत सारे माफिया से जान पहचान है, हम उनसे थोड़े बहुत हथियार ले सकते हैं। हमें उसकी सख्त जरूरत है, वो ट्रॉफी मैं वापस हासिल करके रहूंगा। उन्होंने मुझसे ली कैसे? अरे इन्होंने तो आपकी ट्रॉफी छीन ली। शिनचान, लियो के पिताजी बहुत खतरनाक थे। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि आपको जिंदा छोड़ दिया। हाँ पर ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा ऐसा क्या? हाँ शिनचान अब आगे देख। फ्रैंकलिन हम बस पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा और आगे। अच्छा ठीक है लेमार, भगाता हूँ मैं जल्दी से। यहाँ से टर्न ले लो। यही रास्ता है क्या? हाँ बस यही रास्ता है, साइकिल यही कहीं पे पार्क कर दो। अच्छा ठीक है अभी करता हूँ, आ जाओ जल्दी से, जाके मिलते तुम्हारे अंकल के दोस्त से। अरे साइमन अंकल कैसे हो? बेटा मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? अरे इससे मिलो, ये मेरा दोस्त फ्रैंकलिन है और इसको आपसे कुछ काम है। हाँ बोलो बेटा क्या काम है? मुझे आपसे मदद चाहिए, मुझे कुछ लोगों से बदला लेना है। इतनी छोटी उम्र में तुम्हें किससे बदला लेना है? आप मेरी मदद करोगे या नहीं? बड़ा ही जिद्दी बच्चा है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ हथियारों की जरूरत पड़ेगी। हथियार? कैसे हथियार? जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तुम्हें पता तो है ना तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे बहुत अच्छे से पता है, अगर कुछ हो गया तो मुझ पे नहीं आना चाहिए, ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप तक कोई मुसीबत आने नहीं दूंगा। हाँ अंकल आप इस पे भरोसा कर सकते हो। तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। हाँ अब हमें जल्दी से हथियार दे दो। ऐसी बात है तो आ जाओ मेरे पीछे, ध्यान से चलना, कोई चीज तोड़ मत देना। जल्दी से जाता हूँ, ये रहे मेरे हथियार। अरे ये तो बहुत सारे हैं, आपके पास इतने हथियार कहाँ से आए? ये सब पूछना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें जो चाहिए यहाँ से उठा लो, पर इसके बाद तुम्हें मेरा कोई काम करना पड़ेगा। आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। फ्रैंकलिन एक बार फिर से सोच लो, हम सही तो कर रहे हैं ना, मुझे बस उससे बदला लेना है। जब तक मैं उससे बदला नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। अच्छा ठीक है। तुम वहाँ पर जाओगे कैसे? अरे हाँ वो तो हमने सोचा ही नहीं, हमें किसी तो कार की जरूरत पड़ेगी। एक काम करो मेरी कार ले जाओ, पर वो मुझे फिर से लौटा देना। अच्छा ठीक है थैंक यू। हमारी डील याद रखना, इसके बाद से तुम्हें मेरे काम करने पड़ेंगे। हाँ मुझे सब कुछ याद है लेमार, अभी जल्दी से चल। ठीक है फ्रैंकलिन, जल्दी जल्दी जाते हैं यहाँ से। आज तो उस लियो के पापा को छोड़ूंगा नहीं, उन्होंने मुझे पिटवा के मेरी ट्रॉफी ले ली। फ्रैंकलिन तुम्हें गाड़ी चलाने आती तो है? लेमार मैंने एक बार चलाई थी, हम कैसे भी करके चला ही लेंगे। यहाँ पर हमारा फ्रैंकलिन गलत डिसीजन ले लेता है और वो एक गलत रास्ते पे भटक जाता है, पर क्या करे, किस्मत को यही मंजूर था। अरे फ्रैंकलिन ध्यान से चलाओ। लेमार चला तो रहा हूँ, मैं थोड़ी ना रोज गाड़ी चलाता हूँ। अरे आपकी ड्राइविंग तो पहले से ही घटिया है। शिनचान उस टाइम पे मेरे को गाड़ी चलाना आता भी नहीं था। आता तो अभी भी नहीं है। मुझे मेरी बेइज्जती के सिवा और कुछ आता है कि नहीं? आता है ना हगना। फ्रैंकलिन यही वो घर है, पर यहाँ पर तो बहुत सारी बॉडीगार्ड है। लेमार तू टेंशन मत ले, आज तो इन सबको मैं छोड़ूंगा नहीं, तू बस देखते जा कैसे गेट तोड़ के अंदर एंट्री लेता हूँ। अरे ये सब तो अपनी तरफ आ रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने बुलेट प्रूफ आर्मर पहना हुआ है, ये ले और तू भी ले, तुम सब तो गए मेरे हाथ से। लेमार संभल के रहना। अरे मुझे तो डर लग रहा है। लेमार तेरे पास भी तो हथियार था, उसका इस्तेमाल कर। अरे ये कुत्ता तो तुम्हें काट रहा है, पहले तो मैं इनको संभाल लूँ, ये लो अब इस कुत्ते को संभालता हूँ। अरे यार एक और जन आ गया, ये ले और तू भी ले, ये कुत्ता तो मेरे पीछे पड़ गया, अब मुझे मजबूरन इसको मारना पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ पर तो सब लोग निपट गए। अरे एक जन कैसे बच गया, ये ले। चलो सब खत्म हुए। अरे एक और आ गया। फ्रैंकलिन संभल के रहना, यहाँ पर तो बहुत सारे जन है। अरे यार ये कुत्ता कब से परेशान कर रहा है, ये तो पीछे पड़ गया। अरे अरे ये क्या हो गया, अब तो गया ये मेरे हाथ से, ये ले। लेमार आजा मेरे पीछे, ये ऊपर से कौन मार रहा है? ये रहा वो, ये तो गया और ये भी गया। मुझे लगता है वो लोग पीछे साइड होंगे, जल्दी जल्दी जाता हूँ यहाँ से। यहाँ पर भी गोलियां चलने की आवाज आ रही है। ये रहे वो लोग, ये लो और तुम भी लो। अरे फिर से उठ गया, ये ले। जल्दी जल्दी जाता हूँ। ये रहे लियो के पिताजी, आज तो ये गए मेरे हाथ से, ये लो मुझसे पंगा लेने चले थे। अरे ये क्या किया तुमने मेरे पापा को मार दिया। थोड़ी देर चुप बैठ जाओ, नहीं थे तुम्हें भी मार दूंगा, वैसे भी मेरा दिमाग बहुत खराब है। तुम्हें तो मैं टोलूंगा नहीं, तुमने ये बहुत गलत किया।
किया। ये मैंने गलत नहीं किया, ये मैंने बहुत सही किया। गलत तो तुम लोगों ने मेरे साथ किया था। अलेटो क्या उठ के ले, तुम मेरे पापा को मार दोगे। लेमर तुम यहाँ पर नजर रखो और ध्यान रखो कि ये हिल ना पाए। मैं जाके अपनी ट्रॉफी लेता हूँ। अले वो ट्रॉफी मेरी है। वो तुम्हारी नहीं, वो मेरी है और मैं वो लेकर रहूंगा। जल्दी जल्दी जाता हूँ ट्रॉफी के पास। चलो फाइनली मैंने ट्रॉफी ले ली। लेमर चलो अभी चलते हैं यहाँ से। ट्रॉफी लेने के चक्कर में फ्रैंकलिन ने काफी कुछ गलत कर दिया था, पर अब होनी को कौन टाल सकता है। इसके बाद मानो फ्रैंकलिन ने गंदे कुएं में फंस गया। वो गलत पे गलत काम करते ही रहा। कहानी कुछ साल बाद की, जब फ्रैंकलिन थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेमर एक बात बता, तेरे को कोई घाई है क्या? थोड़ा स्लो नहीं चल सकता? अरे यार मैं तो स्लो ही चल रहा हूँ ना, तू कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहा है। ऐसी बात तो रुक अभी आया, जल्दी से जाके वो गाड़ी स्टार्ट कर दे। मैं जाके चॉप को पीछे बिठाता हूँ। अच्छा ठीक है, पर अभी जल्दी करना। अरे तू जाना रे। तो गाइस जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये खोला मैंने दरवाजा, चॉप जल्दी से अंदर जा। अच्छा जाता हूँ। लेमर आजा फटाफट। अच्छा ठीक है अभी आया। अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। वैसे साइमन अंकल ने जाने कहाँ पर बोला है? अरे उन्होंने कहा है कि हमें एक बंदे को जाके डराना है ताकि वो उनके पैसे वापस दे दे। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, पर हमें जल्दी से जाना पड़ेगा, नहीं तो वो अपनी जगह से भाग जाएगा। पर वो अभी है कहाँ पर? वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया हुआ है और वो अभी भी वही होगा। यही जगह है क्या? हाँ यही जगह, देखो वो रहा। ठीक है चल भाई। अरे अरे रुक जा रुक जा, जल्दी से मास्क पहन ले, नहीं तो वो हमें पहचान लेगा। अच्छा ठीक है अभी पहनता हूँ। जल्दी जल्दी मास्क पहनते हैं। अब जाते हैं इसके सामने। देखो तो कैसे गुल छल्ले उड़ा रहा है, इसको पता नहीं आज इसकी पुंगी बजने वाली है। ओ भाई आशिकी खत्म हो गई, तो जरा यहाँ पर भी देख ले। ए, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा ज्यादा शान पत्ती नहीं, ये घोड़ा देख रहा है ना तू, अभी ठोक दूंगा, चुपचाप से खड़े हो जा। ऐसी बात है तो हट जाओ मेरे रास्ते से। अबे ये तो भाग गया। लेमर जल्दी से चल। हाँ फ्रैंकलिन जल्दी जल्दी आ जाओ। जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा नहीं तो वो भाग जाएगा। अरे जल्दी आएगा तू? अरे आ रहा हूँ ना। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करते और निकलते यहाँ से। अरे जल्दी जल्दी चलाओ ना, ये क्या कर दिया? अबे यार गलती से ठुक गई, जल्दी से टर्न लेता हूँ। अबे वो तो सामने एक बस से टकरा गया। जल्दी से चलो उसके पास। अभी चलता हूँ। अबे ये तो यहाँ से गायब हो गया। फ्रैंकलिन निकल यहाँ से और चॉप को लेके इसका पीछा कर, मैं गाड़ी में ही रुकता हूँ। जल्दी जल्दी जाता हूँ। चॉप चॉप जल्दी से बाहर आ और उसको सूंघते हुए उसके पीछे जा। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन भैया मेरे पीछे आ जाओ। बस यार भागना नहीं चाहिए वो, नहीं तो साइमन अंकल बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अरे आप टेंशन मत लो, मैं तो इसको ढूंढ के निकालूंगा। चॉप तू आगे बढ़, मैं तेरे पीछे पीछे आता रहूंगा। अरे यहाँ पर थोड़ा संभाल के। अच्छा ठीक है अभी यहाँ से जंप लगाता हूँ। अबे कहाँ पर भाग रहा है? यहाँ पर तो सारी ट्रेन की बोगियाँ रखी हुई है, ये ज्यादा देर दूर नहीं भाग पाएगा। हाँ चॉप पकड़ ले, उसके तो दो ही पाव है, तेरे चार चार है। अरे ये तो कोई सेंस ही नहीं हुआ, फिर तो इसके बड़े पाव है और मेरे छोटे पाव है। अच्छा ठीक है बाबा, बस पकड़ ले उसको। अरे ये रहा वो, हमारे सामने भाग रहा है। अबे कहाँ चला गया? तुमको क्या लगा था तुम मुझे पकड़ लोगे? अबे यार ये तो भाग गया यहाँ से। फ्रैंकलिन भैया जल्दी से आओ, मुझे यहाँ पर इसकी स्मेल आ रही है। चॉप जल्दी जल्दी ढूंढ कहाँ पर हो सकता है। अरे जरा इसको खोल के तो देखो। अच्छा ठीक है अभी खोलता हूँ। ये खोला मैंने और यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मुझे पक्का पता है वो यही कहीं पे है। अच्छा ठीक है रुक अभी खोलता हूँ। ये खोला मैंने। चॉप ये रहा वो, तुम लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे? अबे यार फिर से भाग गया, जा चॉप पीछे। फ्रैंकलिन भैया जल्दी से आ जाओ, मैं इसको अभी पकड़ने वाला हूँ। चॉप तू भाग के पकड़, बस मैं तेरे पीछे ही हूँ। अच्छा ठीक है ये पकड़ लिया मैंने। चॉप चॉप रुक जा काटना मत, हमें इसे मारना नहीं है। तुम लोग हो कौन और मेरे पीछे की पड़े हो? चुपचाप चल यहाँ से, तू बहुत बड़ा तोप है क्या, तेरे को जवाब दूँ? अरे लेमर भैया की भी गाड़ी आ गई। अच्छा हुआ ये टाइम पे आ गया, बैठ पीछे जल्दी से। चॉप तू अंदर जाओ, उसका ध्यान रखना, कुछ गलत हरकत ना करे ये। अच्छा ठीक है। अब जल्दी से जाता हूँ लेमर के पास और चलते हैं यहाँ से। अरे ये वाला मिशन तो मुझे याद है। चॉप याद तो हो गई ना, ये अपन दोनों ने साथ में किया था। अरे आपके और लेमर भैया की दोस्ती तो बहुत पुरानी है। हाँ शिनचैन वो तो है। इसका फोन तोड़ के फेंक दे। अच्छा ठीक है अभी तोड़ के फेंकता हूँ। चलो हमारा काम हो गया, अब जाने दो इसको, भाग जा यहाँ से। फ्रैंकलिन मुझे मेरे घर के पास छोड़ दे। बस आज के लिए इतना ही? हाँ बस इतना ही। अंकल ने हमें इसके फोन को तोड़ने के लिए कहा था क्योंकि इसमें कोई तो इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा ठीक है फिर जा और चॉप को बाद में मेरे घर पे छोड़ देना। अच्छा ठीक है, आजा चॉप बार। अच्छा ठीक है अभी आया। फ्रैंकलिन मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मिलना बाद में। अच्छा ठीक है जा। कुछ सालों बाद फ्रैंकलिन ये सब छोड़ देता है और शिनचैन चॉप और अवेंजर के साथ मिलकर अच्छे काम करने लगता है। अरे फ्रैंकलिन भैया कहाँ पर लेके जा रहे हो? शिनचैन टोनी का फोन आया था, उसने बुलाया है। अरे पर क्यों? अब वो तो मुझे नहीं पता। तो आपको पता क्या रहता है? अरे जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी तभी बुलाया ना उसने। मुझे लगता है ना शहर में वापस से कोई खतरा आ गया है, मुझे भी ऐसे ही लगता है। क्या यार आज तो संडे था, मैंने सोचा कहीं घूम के आएंगे। अरे चॉप समझ लेना अपन घूमने ही जा रहे हैं। क्या बेवकूफ समझा है? अरे कोई नहीं ना, नेक्स्ट संडे चले जाएंगे। अरे हाँ चॉप हम तो कभी भी जा सकते हैं, पर शहर को बचाना ज्यादा जरूरी है। अच्छा ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि काफी अर्जेंट है, उसने अपने को तुरंत बुलाया था। अरे वो सब छोड़ो, मुझे तो इस बाइक में घूमने को मजा आ रहा है ना कमाल की, मैंने इसको कस्टमाइज करवाया है। अरे झूठ मत बोलो, मुझे तो लगता है कहीं से चोरी की होगी। नहीं नहीं ये मेरी है। अरे झूठ मत बोलो। हाँ हम सब जानते हैं। अच्छा ठीक है बाबा, चुराई थी पर कस्टमाइज भी करवाई है। अरे चोरी तो चोरी होती है। हाँ ठीक है ना, प्रवचन देना बंद करो। अरे ध्यान से चलाओ कहीं कुछ हो ना जाए। शिनचैन होने देना, कौन सी अपनी है? अरे बाइक अपनी नहीं है तो क्या हुआ, जान तो अपनी है ना। हाँ हाँ शिनचैन तुम एकदम सही कह रहे हो। अरे कुछ नहीं होगा, देखो वैसे भी हम लोग पहुँचने आए। अरे हाँ बातों बातों में तो पता ही नहीं चला। तो जल्दी से बाइक को साइड में लगाता हूँ और जाता हूँ सीधा अंदर।
जल्दी जल्दी जाते हैं गाइस। फ्रैंकलिन इतनी देर कहाँ लग गई? अरे कहाँ देर लगी, मैं तुरंत आ गया। अच्छा ठीक है। अरे वैसे हुआ क्या है? हाँ हाँ हमें भी बताओ ना, इतना भगा भगा के लेके आए है। पेनीवाइज ने शहर में फिर से एक मॉन्स्टर छोड़ दिया, तुम्हें जाके उसको रोकना पड़ेगा। ये पेनीवाइज का बच्चा कभी नहीं सुधरेगा, हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता रहता है। उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर हमें उससे लड़ना ही पड़ेगा। अरे पर मैं नियता कैसे लड़ूंगा? किसने बोला तुम्हें नियता लड़ना है? तुम मेरा सूट लेके जाओगे? अरे वह क्या बात है, किस किस को आयरन मैन सूट दे देता है? तेरा मतलब क्या, किस किस को दे देता है? अरे नहीं नहीं, मैं तो बोल रहा था किसी न किसी को तो देना चाहिए। मैंने सब सुना था, तो ज्यादा शाना बनी मत। हाँ ठीक है ना। फ्रैंकलिन हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें जल्दी निकलना होगा। अच्छा ठीक है बाबा, निकलता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया संभल के जाना। अरे तू मेरा टेंशन मत ले। हाँ फ्रैंकलिन संभल के जाना। तो फिर जल्दी से जाता हूँ सूट की तरफ, इससे पहले कि काफी देर हो जाए। तो चलो फाइनली मैंने सूट पहन ही लिया, अब जल्दी जल्दी जाता हूँ यहाँ से फटाफट। जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, इस पेनीवाइज के बच्चे को तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। एक दिन ऐसा मारूंगा ना, दूसरी बार कुछ करने से पहले सोचेगा। हार हार के थकते नहीं है ये लोग, कुछ ना कुछ नया बखेड़ा लेके ही आते हैं। कोई नहीं, जाके उसको भी मजा चका देते जो भी है वो। लोकेशन यही की आ रही है, तो जल्दी जल्दी जाते गाइस। ये रहा वो, जल्दी से उतरता हूँ नीचे, अभी जाके इसको मजा चकाता हूँ। तुम कौन हो? बेटा मैं तेरा कालू। बहुत ज्यादा ही बोलते हो। ज्यादा कम का तो पता नहीं, पर तू दुनिया से कम होने वाला है। ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये मेरी नहीं है, तेरी गलत फहमी है। तू अभी सूट की पावर जानता नहीं है। और तुम मेरी पावर नहीं जानते। मुझे लगता है इसको मजा चकाना ही पड़ेगा। ऐसा है तो आजमा के देख लो। ठीक है बेटा आजा, जितना दम है ना सब लगा ले। वो तो मैं लगाऊंगा ही, और तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अबे कहाँ पर चला गया? यो भाई साहब ये क्या हो गया गाइस, अचानक से वार कर दिया इसने तो। अरे अरे रुक जा भाई, थोड़ी सांस तो लेने दे। ये ले टेजर खा, इसको तो आज छोड़ना नहीं है, ऐसा मारूंगा ना। अरे अरे यार वापस से हाथ में आ गए। अबे इतना क्या पटक रहा है ये? थम जा भाई थम जा, ये कहीं मेरा सूट यही पे ना तोड़ दे। चलो बार बार बचे, अब ये गया मेरे हाथ से, ये ले। अबे कहाँ चला गया वापस? अब भाई साहब बच गए, मानना पड़ेगा बहुत तगड़ी पावर है इसमें। ये ले, तुझे क्या लगा था तू इन सबसे मुझे हरा लेगा? जितनी नाकामी अब कोशिश करनी है कर ले। ऐसी बात है तो ये ले, तू तो बेटा आज यही पे मरेगा। ये तुझे लगता है काली, तुझे नहीं पता तेरा क्या असर होने वाला है। अबे इतनी मार खा रहा है फिर भी इतना प्रवचन झाड़ रहा है। ये ले, मैं खाली बोलता नहीं हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। ऐसी बात है तो बेटा ये ले, और ये भी ले, और अब ये खा। लग तो राय के नहीं लग रहा है, बहुत दूर है ये। अरे अरे भाई साहब अचानक से आ गया वापस। अबे पत्थर उठा उठा के फेंक रहा है ये तो। मुझे लात मारी भाई साहब, अब तो ये गया। ये ले, अभी तो और मार खाएगा तू, तो नहीं जानता तूने किससे पंगा लिया है। अबे यार ये तो भड़क गया। कोई नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है, थोड़ी देर में मरने वाला ही है। ये ले, और अब ये ले, क्या शॉट मारा है इसको तो। अरे अभी भी जिंदा है भाई, बहुत दम है इसमें, मानना पड़ेगा। कहाँ चला गया अभी ये? अबे भाग तो नहीं गया ना? कहाँ जा सकता है, कहीं दिख भी नहीं रहा है। अबे ये आया, अबे छुप के बैठा था क्या, कहाँ से आ गया, फिर से भाग गया। अबे क्या पकड़म पकड़ाई खेल रहा है क्या ये मेरे साथ? फाइनली मर गया। पता नहीं ये पेनीवाइज इतने सारे मॉन्स्टर लाता कहाँ से। एक मरता है दूसरा आ जाता है, दूसरा मरता है तीसरा आ जाता है, कहीं फैक्ट्री खोल के रखी है क्या? छोड़ो अपने को क्या ही फर्क पड़ता है, अभी यहाँ से निकलते और जाते सीधा अवेंजर के पास। जल्दी से उड़ के यहाँ से निकल लेता हूँ। ऐसे ही अवेंजर के साथ काम करते करते काफी साल बीत जाते हैं, और अब हमारा फ्रैंकलिन काफी बुड्ढा हो चुका है। अब बढ़ते हैं कहानी में आगे, जहाँ पर हमारा फ्रैंकलिन बुड्ढा हो चुका है। अरे काफी दोपहर हो चुकी है, एक काम करता हूँ थोड़ी देर टहलाता हूँ, पता नहीं है शिनचैन और चॉप क्या कर रहे होंगे। जल्दी जल्दी जाता हूँ उनके पास, कहीं कोई मस्ती ना कर रहे हो। ये रहे वो दोनों जन। अरे फ्रैंकलिन भैया आप आ गए, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे? झगड़ा। झगड़ा? कैसा झगड़ा? क्या आपके मरने के बाद प्रॉपर्टी किसके नाम होगी? तुम दोनों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती? अभी तक मैं जिंदा हूँ। हाँ तो कोई निकल उठ के प्लान कर लेंगे कि आपको मारना कैसे है। अरे वाह चुप, क्या बात करी है, ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? अरे मजाक कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम दोनों घर का ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर बाहर घूम के आ जाता हूँ, कोई मस्ती मत करना। अच्छा ठीक है, अब जाता हूँ यहाँ से फटाफट, थोड़ी देर टहल के आऊंगा तो मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, डॉक्टर ने मुझे चलने के लिए कहा है, ये बुढ़ापा तो सहन ही नहीं होता है। अब जल्दी जल्दी जाता हूँ यहाँ से। अरे ये कौन है? त्यो इतना जल्दी भूल गए? अरे ये तो तोतला है, कहीं तुम लियो तो नहीं हो? अच्छा हुआ तुम्हें याद आ गया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं अपने पापा का बदला लेने आया हूँ। बदला लेने के लिए काफी देर नहीं हो गई? तुम मुझे मार के क्या करोगे? मैं तो वैसे ही थोड़ी दिन में मर जाऊंगा। मैं चाहता हूँ तुम मेरे हाथ से मलो। ये तो कभी भी नहीं होगा। ऐसी बात है तो ये लो, दूर हटो मुझसे, मैं बूढ़ा भले हो गया हूँ, मेरे हड्डियों में अभी भी बहुत जान है। ये लो और ये भी लो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे यहाँ आके, तुम्हारी भी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। अरे ये तो इतना जल्दी बेहोश हो गया, इसको मारते मारते तो मेरे कमर की हड्डी ही टूट गई। अब मुझे नहीं लगता मैं घूमने जा पाऊंगा, अभी चुपचाप घर पे जाके सो जाता हूँ। जल्दी जल्दी जाता हूँ, बहुत कमर दुख रही है। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, आपकी स्टोरी देख के तो मजा ही आ गया। चलो मतलब कि तुमने सच्ची में ट्रॉफी जीती थी। तो तुम्हें क्या लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने तुम्हारा पास देख लिया फिर भी मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है। तो गाइस इन लोगों को तो ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।